सुरक्षा बलों द्वारा घाटी में चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट के बाद आतंक का हाथ थामने वाले युवाओं के परिजन भी अपने बच्चों को वापस लाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले पुलवामा के मलंगपोरा के रहने वाले आदिल भट्ट के परिवार वालों ने भी प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में प्रदर्शन किया और आदिल को वापस घर लौटने के लिए कहा। आदिल के परिवार का कहना है कि उनके बेटे ने कुछ दिन पहले आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ थामा और इस बात की जानकारी उन्हें एक फेसबुक पोस्ट के जरिए मिली है। आपको बता दें कि इससे पहले भी माजिद खान ने सरेंडर किया था, जो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का हिस्सा बन चुका था, जिसके बाद लगातार युवाओं के परिजन, उनके परिवार अपने बच्चों को आतंक का हाथ छोड़कर वापस घर लौटने को कह रहे हैं। उनका नाम है मलंगपुरा। सुबह 7 बजे निकल गया घर से, इसका आदिल अहमद भाटे नाम है। तो शाम को हमने इसको फ़ोन किया, घर वापस नहीं आया। सुबह ये काम पर निकल गया तो ये वापस नहीं आया सर। तो आपको कैसे पता चला कि ये फिर जब दूसरे दिन हमने ये फेसबुक खोला तो उस पर ये फोटो पर आया सर, इसके ऊपर है गन। क्या भाई फादर सर, अब क्या चाहते हैं? हम तो वापस उसको लेना चाहते हैं सर, लिहाजा एयरपोर्ट कर हम ये ट्रेंडर से काम। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये भी ट्रेंड बन गया है कि जो भी मिलिटेंट्स के साथ भागे हैं उनको वापस लाने के लिए इनको मतलब कंपेल किया जाता है, फोर्सबली इनको बताया जाता है कि ये डिमॉन्स्ट्रेशन कीजिए। ये कहाँ तक सही है? आप किसी के दबाव में ये बोल रहे हैं कि खुद बता रहे हैं? हम खुद बता रहे हैं सर, हम तो खुद बता रहे हैं सर, ये वापस आने के लिए सर। चलो ठीक है।